स्कूल समय के दौरान अभिभावकों का बच्चों से मिलना और छुट्टी दिलाकर घर ले जाना अब आसान नहीं होगा। बकायदा बच्चों से मिलने के लिए स्कूल के गेट पर आई कार्ड दिखाना होगा। पाकिस्तान के पेशावर में पिछले दिनों मिलिट्री स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। बोर्ड सचिव जोसेफ एमैनुअल ने स्कूलों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों भी शामिल कर सहयोग की अपील की गई है। नई गाइडलाइन के तहत स्कूल प्रशासन को आई कार्ड बनाकर अभिभावकों को देने होंगे। स्कूल के मुख्य द्वार पर माता पिता के आई कार्ड का सत्यापन होगा। बोर्ड ने गाइडलाइन के तहत स्कूलों में सायरन लगाने सहित अलग से सुरक्षा नोडल अधिकारी की नियुक्ति, CCTV कैमरे लगाने सहित अन्य कई सुझाव दिए हैं। स्कूलों को CCTV से लैस किया जाएगा। मुख्य द्वार से लेकर खेलने के मैदान, बरामदों और कक्षों में भी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक बाहरी व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। गाइडलाइन में खतरे की घंटी के समय सायरन और रात में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है। कंक्रीट की दीवार पर तारबंदी और दूसरी जगहों को CCTV कैमरों की जद में रखने को कहा है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को वॉकी टॉकी से लैस रखने, प्रवेश द्वार 3 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे तैनात रखने और पुलिस नियंत्रण कक्ष व संबंधित थानों के फोन नंबर स्कूल परिसर के प्रमुख स्थानों पर चिपकाने को कहा गया है। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो अक्सर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कम आंका जाता है, मगर अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों को ज्यादा समय देकर उनका शैक्षिक स्तर सुधारे जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर सुधारने की इस पहल में प्रदेश के करीब 13,000 स्कूलों में 9वीं कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी, जिससे प्रदेश के 1,32,512 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जिन छात्राओं के डी और ई ग्रेड प्राप्त हुई उनको कमजोर बच्चा मानते हुए उपचारात्मक शिक्षण के प्रावधान किया गया, जो जनवरी 1 से 15 मार्च तक होना है और जिसमें कुल मिलाकर 50 दिवस तक उन बच्चों को 3 विषय गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, जिनमें से अधिकतम 2 विषय में प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया गया है। अब इनकी फिर एक परीक्षा, जब ये 15 मार्च से पहले एक परीक्षा और ली जाएगी जिसको हम पोस्ट एग्जाम कह सकते हैं, उस पोस्ट एग्जाम के आधार पर ये तय हो पाएगा कि उन बच्चों को कितना ग्रहण किया, कितना उपचारात्मक प्रशिक्षण। रमसा की ओर से नवंबर में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई थी। जिन बालक बालिकाओं को ई और डी ग्रेड मिली उनके लिए विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय की उपचारात्मक कक्षाएं लगाई जा रही हैं। ये कक्षाएं 1 जनवरी 2015 से 15 मार्च तक स्कूलों में लगाई जाएंगी। 50 दिन चलने वाली इन कक्षाओं में विषयवार अध्यापक छात्र छात्राओं को स्कूल टाइम के अलावा कोचिंग देंगे। इस विषय में वीक थे तो सर अभी क्लासे होती है तो सर इनसे हमें फायदा होता है। इससे अब 10th बोर्ड में हमें फायदा होगा सर, इससे मतलब कि आगे काफी पढ़ाई कर सकते हैं, इससे मतलब कि फायदा है। अगर अब वैसे अपन पैसे लगा के ट्यूशन जा पाते हैं तो ट्यूशन में इतना कोई विशेष ध्यान नहीं लगा तो अपना पैसे पकाते हैं। बच्चों का शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए लगाई जाने वाली इन क्लासेस के एवज में विषय अध्यापक को 225 रुपए प्रति छात्र छात्रा अतिरिक्त मानदेय और विद्यार्थी को 25 रुपए प्रति स्टेशनरी और अन्य खर्चों के लिए दिया जाएगा। बच्चे मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाह रहे हैं और उनके खुश नजर आने मतलब कि फायदा हो है हमें। मैं बहुत उपयोगी मानती हूँ क्योंकि गणित विषय एक ऐसा है, एक क्लास के अंदर सित क्लास होती है हमारी, तो उसके अंदर बच्चे पूरे, कुछ बच्चे तो ध्यान से पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ पाते, हमें तो पूरी क्लास को देख के पढ़ाना होता है। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के अंदर विशेष तौर से जो कमजोर छात्राएं हैं उनके ऊपर जो स्पेशल जो ध्यान दिया जा रहा है उससे उनको वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं वे सरकार उन्हें इतना वो बता रही है, जो हमें स्कूल में यहाँ पढ़ा रही है, जो बच्चे जिसके माता पिता जो कमाते नहीं है तो भी जो उन सरकार ने उन्हें मतलब यहाँ पे बहुत उपयोगदान दिया है, वह बच्चे यहाँ पे पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। रमसा ने भले ही 9वीं कक्षा के कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई को लेकर अनूठी पहल शुरू की हो, लेकिन अब देखना ये होगा कि रमसा की ये पहल कितनी कारगर साबित हो पाती है।